कर्ज में डूबे पाकिस्तान में लगातार आर्थिक हालात बदतर होते जा रहे हैं। पहले महंगाई, फिर बिजली संकट और अब पाकिस्तानी रुपया बर्बाद। शहबाज के राज में जिन ना का यह देश लगातार संकटों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान को अब IMF से मदद की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कर्ज का महाबम फोड़ना होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान में आर्थिक बर्बादी के बीच रुपया लगातार हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तानी रुपये में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई और यह शुक्रवार को $1 के बदले 268.30 तक पहुंच गया, जो अपने आप नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी रुपया जहां अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, वहीं शहबाज सरकार भी IMF के आगे घुटने टेक चुकी है। शहबाज सरकार श्रीलंका जैसी हालत होने से बचाने के लिए पाकिस्तानी जनता पर टैक्स का महाबम फोड़ने जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों सऊदी अरब, चीन और UAE ने साफ साफ कह दिया था कि वे अब बिना शर्त के एक भी पैसा नहीं देंगे। पाकिस्तान में यह आर्थिक संकट तब चल रहा है जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। अधिकारियों ने आशा जताई है कि रुपए की लगातार गिरावट से अब IMF का दिल पिघलेगा और पाकिस्तान को लोन मिलने का रास्ता साफ होगा। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान हर तरफ से लगातार तबाही की कगार पर पहुंच रहा है। देश में जहां खाद्यान्न की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं पाकिस्तान में पिछले दिनों एक दिन से ज्यादा समय के लिए बिजली गुल हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम में रिकॉर्ड गिरावट। पाकिस्तानी रुपया गुरुवार को 9.61 गिर गया, जो दो दशक बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। बताया जा रहा है कि IMF के दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने रुपए के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया, जिससे डॉलर के मुकाबले दाम में रिकॉर्ड गिरावट आई। पाकिस्तान में यह ताजा आर्थिक संकट आज से नहीं बल्कि साल 2019 से चल रहा है। पाकिस्तान तब से IMF से लोन की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो गई है। पाकिस्तान के पास अब करीब 3 हफ्ते का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। पाकिस्तानी आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान अब यह इरादा दिखा रहा है कि वह IMF की मांगों को मानने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार अरबों रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहा है। इसके अलावा यह स्थिति तब है जब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 3 हफ्ते का बचा है और बंदरगाहों पर शिपिंग कंटेनर सामानों से भरे हैं। पाकिस्तान के पास इतने डॉलर नहीं है कि वह इन कंटेनर के सामान को आने दे। आटा 3,100 रुपए में 20 किलो बिक रहा। इन कंटेनरों में उद्योगों के लिए कच्चा सामान, फूड आइटम, मेडिकल उपकरण आदि शामिल हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि 20 करोड़ लोग कराह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फूड आइटम और गैर फूड आइटम के महंगाई का स्तर 28.7% तक पहुँच गया है।